Next, basically the last topic of the chapter is biology and the service to mankind. कि bio का अगर हम इसको relate करें with the service कि हमें bio ने क्या-क्या चीजें दी हैं और हमने किस-किस problems का हल जो है bio से निकाला है. That will be study under the biology and the service to mankind. पहले जो है हमारे पास इसमें ये चीज बताई हुई है कि चूंकि आप bio को deal कर रहे होते हैं with the life, basically with the life. बल्कि बेसिकली क्या डेफिनेटली विद द लाइफ, तो हम इसमें वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा इन कंसिडरेशन लेते हैं जो कि हमें मैनकाइंड को बेनिफिट पहुंचाने के जो है वो एस्पेक्ट से हमें हमारे पास काम आती हुई हमें पता हो उसका. अब उसमें क्या है कि बायो का सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा है वो है इन द क्योर ऑफ डिजीजेस. ठीक है, डिजीज हम क्योर कर सकते हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसी स्पीशीज ऑब्टेन कर सकते हैं, और फूड की हो या एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, जो हमें ज़्यादा फायदा देती है. यानी कि अब चूंकि पॉपुलेशन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, और अगर हम अभी भी उन्हीं नेचुरल जो हमारे पास तरीके हैं फसल को लगाने के या ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने के, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू कोप अप विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन साइज. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग और वो सफर करना पड़ सकता है. तो उस चीज़ से बचने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट टेक्निक्स. उस तरीके से टेक्निक्स हमने कहाँ से जनरेट की, फ्रॉम द बायोलॉजी. हमने डिजीज को किस तरह क्योर किया फ्रॉम बायोलॉजी, हमने डिजीज को किस तरह प्रिवेंट किया और ऑफ कोर्स फ्रॉम बायोलॉजी, एंड सच डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स होकर अब हम जो है वो स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पहला जो है वो पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का. जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमें क्या फ़ायदा है, हमने जो है डिफरेंट जीन्स मैनिपुलेशन की हुई है, जो हमें स्पीशीज ज़्यादा अच्छी लगती है. इन द केस ऑफ प्लांट्स हम उसी का जीन जो है वो बाकी सब स्पीशीज में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और उससे क्या होता है दैट वी गेट द रिक्वायर्ड या डिजायर्ड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स और रिक्वायर्ड और डिजायर्ड फूड आइटम जो कि हमें ज़्यादा चाहिए होता है या हमारी मार्केट में ज़्यादा डिमांड में है या इंडिविजुअल्स में ज़्यादा डिमांड में है. तो इसमें वर्ड यूज हुआ है आपके ऊपर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, प्लांट्स एंड फॉरन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स. तो ये भी आर्टिफिशियली ही होता है कि हम प्लांट्स के अंदर फॉरन डीएनए या किसी और प्लांट का डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो यील्ड आए, जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो. उसके बाद वी आर हैविंग अ टर्म ऑफ क्लोनिंग. क्लोनिंग और क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स का हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें बेसिकली इस प्रोसेस के ना काफ़ी सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. फ़ायदे तो ये हैं कि हमें जो डिजायर्ड पॉपुलेशन है, जो डिजायर्ड स्पीशी है, जो डिजायर्ड वैरायटी चाहिए होती है, हम उसी की मल्टीपल कॉपीज जनरेट करते चले जाते हैं. और नुकसान भी हैं, क्योंकि हम अभी इस टॉपिक को डिटेल से स्टडी करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे. उसके बाद वी आर हैविंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स. टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में हम टिश्यू को कल्चर करते हैं, कल्चर मतलब ग्रो करवाते हैं, मतलब एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मेथड. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से जो हम इसको ग्रो करवाते हैं, डेफिनेट क्योंकि एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है तो इट विल बी एन ईजियर प्रोसेस, इट विल बी लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस. उसके बाद बायोलॉजी का कंट्रोल है. बायोलॉजी का कंट्रोल्स में हम सारे हैजर्ड्स को जो है सारे डेंजर्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. उसमें किस तरह से एक्सक्लूड करते हैं, लेट सपोज कि प्लांट है और प्लांट को किसी एक खास टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से खतरा है. ठीक है, तो बजाय इसके कि हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करें, स्प्रे क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को तो डेड करेगा ही करेगा, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स उस प्लांट में भी आ सकते हैं. तो ये एक आर्टिफिशियल कंट्रोल है. हम क्या करते हैं कि हम नेचुरल कंट्रोल इंड्यूस करवाते हैं, और उस लक्ष्य में क्या करते हैं कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को लेते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ जो है ना इंगल्फ कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है जो कि उस प्लांट को डिफरेंट स्पेसिफिक प्लांट को डैमेज कर रहा है. तो इससे क्या होता है कि हमने उस डेंजरस ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए एक और ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया, ताकि हमारा जो प्लांट है वो जितना आर्टिफिशियल केमिकल से कम एक्सपोज होगा उतनी ज़्यादा डाइट हेल्दी और अच्छी आएगी. इसके बाद वी आर हैविंग द इंटीग्रेटेड, इसमें एग्जांपल है एन एफर्ट दैट अटैक्स वॉलेंट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वास्प दैट पैरासिटाइजेस दिस एफर्ट. तो एफर्ट को चूंकि वॉलेंट्री को अटैक करेगा, तो इसको खत्म करने के लिए बजाय से कि हम स्प्रे करें, हम जो है वो वास्प को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इस एफर्ट को किल कर देती है, पैरासिटाइज कर देती है.
उसके बाद we're having biopesticides, effective control of a particular disastrous disease, or all the common diseases of plant can be achieved by using all relevant appropriate measures of diseases. And such an approach is known as integrated disease management. कि हम different parameters adopt करते हैं और उन parameters के जरिए हम अपने desired effect जो है वो अगर हम हासिल कर लें. और हमारा desired effect क्या होता है कि हम एक control रखें, बाजी का control रखें. That is known as integrated disease management. उसके बाद we're having the hydroponic culture technique. हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में हम ये चीज चेक करते हैं कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एक करके चेक करते हैं कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इस प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है या नहीं है. इसमें हमारे पास ना डिफरेंट एपरेटसेस होते हैं. हम प्लांट को एक एक अलग अलग जो है वो न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट हुआ है, क्या ग्रोथ ज्यादा हुई है या ग्रोथ कम हुई है या ग्रोथ जो है वो पहले जैसे ही रही है. तो इस आइडिया से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि एक प्लांट के लिए कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो जरूरी है, कौन सा न्यूट्रिएंट यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है, किस न्यूट्रिएंट का उसमें कोई इफेक्ट नहीं है. उसके बाद वी हैविंग द पास्टराइजेशन प्रोसेस. पास्टराइजेशन प्रोसेस में लुईस पास्टर ने डेवलप किया था. इसका काम क्या होता है, फूड को स्पॉयलेज से महफूज करना, फूड को जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ से, फंगल ग्रोथ है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से महफूज करने का नाम पास्टराइजेशन है. हम जब एकदम से जो है वो फूड को हाई टेम्परेचर पर एलिवेटेड हीट पर जो है वो हीट करते हैं, उसके बाद रैपिड कूलिंग करते हैं. और रैपिड कूलिंग से क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर किल्ड एंड द फूड बिकम्स स्टराइल. फूड जो है वो बिल्कुल जर्म्स फ्री हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट में हमें डिजीज कंट्रोल. डिजीज कंट्रोल के लिए हमारे पास जो है वो तीन बेसिक मेथड्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन और ड्रग ट्रीटमेंट. पहला वी आर हैविंग द प्रिवेंटिव मेजर्स. सेकंड वी आर हैविंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. And third, we are having the drug treatment. इसके साथ जीन थेरेपी भी है. First one was vaccination and immunization. Vaccination जो है जैसे development vaccination को हम कहते हैं कि हमने A virulent यानी कि weak, A virulent या attenuated और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो जब एक ऑर्गेनिज्म वीक है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहा है, दैट मींस इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस डिजीज, वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा. लेकिन बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपने आप को उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इम्यून कर लेगी. यानी कि अब अगर कोई हेल्दी ऑर्गेनिज्म भी आता है तो बॉडी ऑलरेडी उससे फेमिलियर है और डिजीज कॉजिंग इम्यूनिटी जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की खत्म हो जाएगी. दूसरी टर्म यूज हुई हुई है इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन जो है ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन जब हो जाती है तो उसके बाद जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन. तो यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है कि सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन. और कौन कौन से डिजीजेज है, पोलियो है, वोपिंग कॉफ, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा, दैट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन. और उसको जो है वो हम शॉट्स कहते हैं. उसके बाद इट इज क्लियर दैट स्मॉल पॉक्स हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड. स्मॉल पॉक्स जो है एक्चुअली चीचक की बीमारी होती है, इसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया से इसको इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. और उसके अलावा वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमंस ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. इनके एड्स से रिलेटेड, चूंकि एड्स जो है वो इसका हमारे पास कोई क्योर नहीं है, तो एड्स से रिलेटेड जो है वो हमने वैक्सीनेशन बनाई है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी. ड्रग ट्रीटमेंट अगर डेफिनेटली अगर एक बार डिजीज जो है दैट हैज अकर्ड, तो उसके बाद हम पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं. पेशेंट को जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी मेडिसिन देनी है या कौन सी ड्रग देनी है. और हमें डेफिनेटली विल हैव टू फाइंड आउट एंड विल हैव टू डायग्नोस द डिजीज.
डिजीज के साथ हम डायग्नोस करेंगे, दैट इज अनदर सेपरेट टेक्निक. वहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट ले रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होती हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की. हमने रिक्वायरमेंट होता है दैट इज द ड्रग ट्रीटमेंट, कि हम ड्रग ट्रीटमेंट में किस किस चीज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं या क्या क्या ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम पेशेंट की जो इल कंडीशन है उसको हम क्योर कर सकते हैं. तो पहला उसमें पॉइंट आ जाता है एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली एंटीबायोटिक मीन्स ऐसी कोई भी मेडिसिन या ऐसा कोई भी ड्रग जो कि एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. बच्चे जब हम एंटीबायोटिक को एंटी बैक्टीरिया समझ आते हैं, इसलिए अगर बैक्टीरिया किल होगा ना तो उसे हम एंटी बैक्टीरियल कहते हैं. अगर वायरस किल हो रहे हैं तो देर विल बी एंटी वायरस. अगर प्रोटोजोअन्स हैं देर विल बी एंटी प्रोटोजोअन्स. और अगर वो फंगल है तो वो एंटी फंगल हो जाएंगे. तो ये सारे के सारे एजेंट्स जो हैं, चारों एजेंट्स, दे लाई अंडर द कॉमन टर्म दैट इज एंटीबायोटिक्स. और फिर वही बात है कि एंटीबायोटिक्स का जो है वो एक स्पेसिफिक कोर्स टाइम पीरियड होता है. चाहे पेशेंट एक दिन में इतना ठीक हो जाए, एंटीबायोटिक का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करना चाहिए. अदरवाइज द डिजीज कॉजिंग पैथोजन, a disease-causing microorganism becomes immune to that antibiotic. फिर next time antibiotic का प्रोसेसिंग नहीं करेगी, और अगर ऐसा करेगी भी तो आपको बहुत हाई डोज में जो है वो लेनी पड़ेगी. That may prove that may be the cause of other side effects. Anyways, next we have the chemotherapy. Chemotherapy में हम certain anti-cancer chemicals जो है वो patient को देते हैं. तो यहाँ पर हम कहते हैं anti-cancer को जो है वो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि जब कैंसर चूंकि बीमारी जो है इसमें क्या होता है कि सेल्स जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं. एक तो वो बहुत ज्यादा तेजी से फास्ट ग्रो करते चले जाते हैं. दूसरी बात कि वो जब ग्रो कर रहे होते हैं तो सेल अभी अपनी मेच्योर स्टेज पर नहीं पहुंचता कि वो दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाता है. That is the state of cancer. उसके लिए एंटी कैंसर एलिमेंट्स देते हैं, which is included in the chemotherapy. साथ साथ हम रेडिएशन से एक्सपोज करवाते हैं पेशेंट को. रेडिएशन जो है वो कैंसरस सेल्स को भी किल करती ही करती है. दे ऑल्सो प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द नॉर्मल सेल्स. तो वो भी जो है वो एक डिसएडवांटेज हमारे पास होता है. बट इवन देन वी यूज रेडियोथेरेपी बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी अदर सॉलिड थेरेपी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. उसके बाद IDM. IDM इज द इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के हम लोगों में ये अवेयरनेस देते हैं दैट सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज कैन प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटोजोअन्स सर्टेन काइंड ऑफ पैथोजेंस मे प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ डिजीजेस. इनके डिजीज की एटियोलॉजी क्या है, डिजीज किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, अगर डिजीज हो गया है तो आप उसके लिए क्या क्या चीजें उसको आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू क्योर द डिजीज. उसके बाद नेक्स्ट वी आर हैविंग द टर्म ऑफ क्लोनिंग. क्लोनिंग इज टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग जेनेटिक एम्स. उसके बाद क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल ऑफ इंडिविजुअल एंड इट्स सेक्सुअली रिड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स. तो क्लोन क्या है कि क्लोन इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जिस सेल का आपने न्यूक्लियस लिया होता है और आप उसको दूसरे सेल के न्यूक्लियस रिमूव करके वो न्यूक्लियस वहां इम्प्लांट करते हैं तो बोथ द सेल्स आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच अदर. तो हम आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो अचीव कर लेते हैं. दिस इज एक्चुअली क्लोनिंग. और क्लोनिंग जो है वो यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर दिया हुआ है दैट इज जेनेटिकली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूसिंग नेचुरली बाय क्लोनिंग. एक्चुअली नेचुरल क्लोनिंग एग्जिस्ट नहीं करती बट सेवरल इंसेक्ट्स एंड मेनी प्लांट्स डू इन सम सर्कमस्टेंसेस वेयर फ्यू डू सो रेगुलरली. एनिमल्स इतनी तरह इतनी कॉमनली क्लोनिंग नहीं शो करते बट इंसेक्ट्स शो करते हैं एंड प्लांट्स जो है वो भी शो कर सकते हैं. उसके बाद 1997 में स्कॉटलैंड में एक डॉली फिश डॉली शीप जो थी दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड दैट वॉज अ क्लोन. उसके अलावा प्रोसीजर आपको डिस्कस किया है. न्यूक्लियस जो है फर्टिलाइज एग से रिमूव किया जाता है और एक जो कि फुल डिवेलप होता है उसको हम जो है दूसरे सेल का न्यूक्लियस रिमूव करके वहाँ पर उस न्यूक्लियस को इम्प्लांट करते हैं. नाउ द न्यू सेल विल बी हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट द इम्प्लांटेड न्यूक्लियस. उसके बाद वी आर हैविंग द एम्ब्रियो क्लोनिंग. एम्ब्रियो क्लोनिंग में हम क्या करते हैं दैट इज इट इज अ डिविजन ऑफ अ सिंगल एग और क्लियर अर्ली एम्ब्रियो इन टू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज.
This is the same process that normally creates identical twins. यानी कि एम्ब्रियो स्टेज पर हम एम्ब्रियो के क्लेवेजेस बना लेते हैं और एक एम्ब्रियो जो है वो एक से ज्यादा एम्ब्रियोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और मोर और लेस दिस इज द सेम काइंड ऑफ प्रोसेस जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स में यूज होता है. आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो काफी हद तक सेम होता है, लेकिन द केस ऑफ क्लोनिंग इट इज द होल आइडेंटिकल कॉपी, बिल्कुल जो है वो सेम जेनेटिक मेकअप होगा. नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंस जो है वो क्लोनिंग टेक्निक्स की कि कमर्शियल प्रोडक्शन और वैल्यूएबल एनिमल्स की जो है वो अगर हम इंक्रीज कर सकते हैं मतलब उसको क्लोनिंग, क्योंकि ये तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है तो डेफिनेटली विल बी हैविंग लेस टाइम कंजप्शन और इजी है. उसके अलावा अगर हमें देखा जाए कि हम मैन की क्लोनिंग कर सकते हैं या नहीं, तो मैन की क्लोनिंग जो है इसमें बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज भी आ जाते हैं, इसमें सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि डीएनए जेनेटिक्स जीनोमिक सीक्वेंस सब सेम हो जाता है तो इट कैन प्रोड्यूस मेनी इश्यूज. तो मैन की क्लोनिंग जो है वो हम सपोर्ट नहीं करते. लास्ट उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. प्रोटेक्शन कंजर्वेशन हम क्या करते हैं कि हम एनवायरमेंट को बायोलॉजिकली किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम पोल्यूशन एज वेल एज फ्रॉम हार्मफुल एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स. We're having the use of lead-free petrol. अगर हम free जो है
आप ऐसा पेट्रोल यूज करें जिसके अंदर लेड नहीं है. एंड आई गेस के फ्यू इयर्स बैक ये चीज जो है वो पास की गई थी दैट पेट्रोल शुड बी लेड फ्री. पेट्रोल में लेड ज्यादा होता है तो ऑटोमोबाइल्स जो है वो जब फ्यूल की कंबशन हो रही होगी तो उस नतीजे में लेड के जो कंपाउंड है वो एयर में ज्यादा रिलीज होते हैं. तो उसके बाद जो है ये काफी कम हुआ है, लेकिन फिर भी वी आर हैविंग द लेड ऑन इन अ वेरी अलार्मिंग लेवल, एट अ वेरी अलार्मिंग लेवल इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट वी आर हैविंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज. इंडिजिनस स्पीशीज की लिस्ट पर भी वर्कआउट किया जा रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, और अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दे विल आल्सो बी एक्सटिंक्ट. और ऑर्गेनिजम्स की एक्सटेंशन हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे लिए जो है वो एक फूड चेन में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और फूड चेन में डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो ऑब्वियसली द इकोसिस्टम में भी अफेक्टेड ड्रास्टिकली. लास्ट पॉइंट इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ नेशन वाइड प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. रिवर्स कैनाल हाईली पोल्यूटेड, ठीक है, हम उसको जो है किस तरह से क्योर कर सकते हैं. हमारे वहाँ पे जो भी एनिमल लाइफ है, वाटर लाइफ है, वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है. हम जो है अगर हम पानी को किसी भी करने का प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं दैट में आल्सो भी एफिशिएंट. तो ये डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है वो एक मेथड्स हैं जिसको हम अडॉप्ट करें तो वी कैन गेट रिड ऑफ द पोल्यूशन प्रॉब्लम्स. So where the chapter is completed, and next lecture we will be discussing on the next chapter.